अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो दिस इज़ मुहम्मद। आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्किन की हालत बहुत ख़राब है और अच्छी नहीं है, तो क्यों ना पिंक सोल के साथ आज से एक स्किन केयर वीडियो हो जाए। फटाफट से हम बैंड लगाएंगे, इस तरह तो स्किन केयर होने से रहा और बाल मुंह पे आने से रहे, तो हमने बैंड लगा चुके हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ पपाया क्लेंजिंग मिल्क से हम करने जा रहे हैं अपनी क्लेंजिंग, तो पम्प कर लेंगे हम और फिर क्लेंजिंग स्टार्ट करते हैं। क्लेंजिंग आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सारी डर्ट रिमूव हो जाती है, आपकी स्किन पे जितना भी डर्ट और मतलब जो भी मेकअप के तासुरात होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो अब हम इसको साफ करके आते हैं एंड अब हम करने जा रहे हैं पीट स्क्रब से अपनी स्क्रबिंग। उतना सा लूँगी कितने में मुँह के लिए काफ़ी। ले जी, देख सकते हैं कि स्किन साफ होना स्टार्ट हो चुकी है और अब हम लेंगे स्ट्रॉबेरी मास्क। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मज़े की थी, स्ट्रॉबेरी जैसी थी और मैंने ये सिर्फ 10 मिनट के लिए अप्लाई किया है, बल्कि सॉरी अभी कर रही हूँ, पहले ही बोल देती हूँ, शिट। लेकिन अब ये लग चुका है, ऑलमोस्ट लग चुका है। 10 मिनट के लिए मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। लिखा मैंने 20 था लेकिन मैंने किया 10 मिनट्स था और उसके बाद मैंने इसको रिमूव किया और देख सकते हैं कि पिंकिश सी मेरी स्किन हो चुकी है एंड इट्स अ नेचुरल ग्लो। लिटरली मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा था इसके बाद। मैंने इसलिए रिमूव कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस फील हो रही थी, तो फिर मैंने इसलिए रिमूव कर दिया। अब हम जा रहे हैं एवोकाडो मसाज क्रीम की तरफ, तो ये बहुत अच्छी मसाज क्रीम थी। लिटरली मेरी स्किन बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो गई थी। अपने हाथों को ना भूलें, अपनी फेस पे, अपने नेक पे, हर जगह अप्लाई करें, अच्छी तरह मसाज करें 2 to 5 minutes। लिटरली योर स्किन फील्स सो गुड आफ्टर दिस। और अच्छी तरह से मसाज कर लें, करते रहें मेरी तरह। मैंने फिर जैसे सलॉन्स में टेक्निक्स होती हैं लगाने की बहुत कोशिश की, अब देखें क्या बनता है, बट आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें आपका स्किन वाकई अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हम इसको अब जो है वो रिमूव करने जा रहे हैं, लाइक थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करेंगे क्योंकि अब हमने इसके बाद लगाना था सीरम, तो मैंने कहा कि मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा रिमूव होकर फिर सीरम का जो है इफेक्ट आएगा। तो अब मैं पोमेग्रांट जो है सीरम ले रही हूँ और इसको मैंने हल्का हल्का अपने फेस पर पम्प कर लिया है और ये बहुत अच्छा सीरम था, इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी। डार्क सर्कल्स तो देख लें मेरे, बस ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते हैं गाइस, तो इसको इग्नोर करें। लो जी, मसाज हो गया और ग्लो आप चेक कर सकते हैं, नेचुरल ग्लो, कोई फिल्टर नहीं है, इट्स नेचुरल। सो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं गुलाबों का लिप एंड चीक टिंट और ये बहुत इजीली ब्लेंडेबल है और ये बहुत मज़े का इसका पिंकी सा शेड है। मैं लिप्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ, लिप्स को कभी मत भूलें क्योंकि लिप्स आपके पिंकी अच्छे रखते हैं, आजकल नेचुरल सा ग्लो टिंट से ही मिलता है आपको। उम्मीद है कि मुझे ये हो चुका है हल्का सा, हम लाइव आइस पे सॉरी हम कर देंगे और एंजॉय माय वॉइस ओवर।